हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फिफ्थ वर्कशीट नंबर नाइन तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पैसेज फर्स्ट Shika has a new bike. It is blue and shiny. It was a gift from her parents. They gifted it as a surprise on her birthday. When Shika looked up at the bicycle, she jumped with joy. Her face was shining with happiness. It was the best surprise for her on this occasion. She hugged her parents. She thanked them for this. It was a useful gift as she could go to school on her new bicycle. साइकिलिंग इज़ ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ बाइसिकल एज हर स्कूल इज फार फ्राम हर होम शी शेयर हर फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स नाउ शी विल बी एबल टू हेल्प हर मदर इन गेटिंग थिंग्स फ्राम द मार्केट शी इज़ डिलईटेड टू बी एबल टू हेल्प हर पेरेंट्स तो देखिए बच्चों शिखा को नई बाईसिकल मिली उसका कलर था ब्ल्यू एंड शाइनी वो उसके पेरेंट्स ने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया था साइकिल को देख के शिखा बहुत खुश हुई और बहुत जोर ज़ोर से कूदने लगी उसके चेहरे पे बच्चों एक खुशी थी आ, उसके लिए ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था उसके बर्थडे पे उसने अपने पेरेंट्स को हक किया उनको थैंक्स किया अब वो साइकिल से अपने स्कूल जा सकेगी क्योंकि बच्चों स्कूल उसके घर से दूर था ठीक है बच्चों तो यहाँ पे हमें इसके क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं वॉट वॉज द कलर ऑफ बाईस तो बच्चों साइकिल का कलर था ब्लू। शिखा जम्प्ड वैन शी सॉ साइकिल बिकॉज शी वॉज हैप्पी बच्चों वो कूदने लगी खुशी से क्योंकि वो बहुत खुश थी शी शेयर हर फीलिंग विद हर फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ गुड टू शेयर विद फ्रेंड्स वो अपनी फीलिंग्स uh, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि दोस्तों से शेयर करना अच्छी बात है द गिफ्ट वॉज़ यूज़फुल गिफ्ट कैसा था बच्चों यूज़फुल था साइक्लिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज इट मेक्स अस हेल्दी साइकिलिंग गुड एक्सरसाइज है क्योंकि तो ये हमें हेल्दी बनाता है नेक्स्ट है बच्चों पेसिस टू इस्पोर्ट्स प्ले आ इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ ईच वन ऑफ अस्ट शुड टेक अप आ स्पोर्ट बच्चों स्पोर्ट हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी को एक स्पोर्ट खेलना चाहिए प्लेइंग स्पोर्ट कीपर्स फिट एंड हेल्दी बच्चों स्पोर्ट्स खेलने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं वैन वी प्ले आर स्पोर्ट आर बॉडी इज़ एक्टिव एंड आर माइंड इज़ अलर्ट बच्चों जब हम स्पोर्ट खेलते हैं तो हमारी खेल खेलते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है और माइंड भी अलर्ट रहता है स्पोर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बच्चों खेल एक तरीका है एक्सरसाइज का देयर आर मैनी स्पोर्ट्स दैट वी कैन चूज़ फ्रॉम बच्चों बहुत सारे खेल हैं जिन्हें हम कोई भी खेल हम चूज़ कर सकते हैं दे कैन बी लोकल गेम्स सचैज़ कबड्डी और वेल नॉन गेम्स सच एज क्रिकेट और फुटबॉल बच्चों गेम कोई भी हो सकता है कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी ओनली अ हेल्दी बॉडी कैन हैव अ अल्दी माइंड बच्चों हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमारे शरीर को हेल्दी रखने में एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है और बच्चों अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा स्पोर्ट्स हेल्प अस टू लर्न मैनी थिंग बच्चों स्पोर्ट्स हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है दे टीच अस हाउ टू फॉलो रूल्स एंड वर्क विद ईच अदर बच्चों रूल्स फ़ॉलो करना सिखाता है और मिलजुल कर किस तरह से हमें काम करना चाहिए दे हेल्प अस टू लर्न हार्ड वर्क मेहनत करना सिखाता है वैन वी लूज वी लर्न टू ट्राई अगेन और जब हम हार जाते हैं तो हमें दोबारा से कोशिश करना सिखाता है इस्पोर्ट्स मेकस अ स्मार्ट पर्सन स्पोर्ट्स हमें एक स्मार्ट पर्सन बनाता है अब देखिए बच्चों इसके क्वेश्चन देखिए प्लेइंग स्पोर्ट मेकस बच्चों स्पोर्ट्स खेलने से हम क्या रहते हैं फिट इफ वी वांट आर माइंड टू बी अलर्ट वी मस्ट बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड अलर्ट रहे तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए स्पोर्ट टीचर्स टीम वर्क बच्चों इस्पोर्ट हमें टीम वर्क सिखाता है स्पोर्ट हेल्प अस टू मेक आर पर्सनैलिटी बेटर स्पोर्ट हेल्प अस टू बिकम डिसिप्लिन स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन में आना सिखाता है नेक्स्ट है बच्चों पैसेज थ्री देयर आर वॉज अ मैन हु यूज टू वर्क हार्ड टू गिव हिर्स चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर बच्चों एक आदमी था वो बहुत मेहनत करता था अपने बच्चों के लिए ताकि वो उनका भविष्य अच्छा बना सके ही used टू कैरी लोड्स इन द डे एंड वर्क इन होटल एट नाइट टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी टू पे फॉर एजुकेशन फॉर his चिल्ड्रन बच्चों वो बोझा उठाता था, था दिन में और रात में एक होटल में काम करता था ताकि उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके और उनसे वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके वन डे हिज चिल्ड्रन डिमांडेड हिम टू गेट दैम एन एक्सपेंसिव टॉय एक दिन बच्चों उसके बच्चे ने उसको डिमांड करी कि मुझे बहुत महंगा खिलौना चाहिए ही ट्राई टू टेल दैम इट्स हार्ड फॉर हिम टू गिव दैम एक्सपेंसिव गिफ्ट बट दे क्राइड फॉर इट वो समझाना चाह रहा था अपने बच्चों को कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट देना लेकिन उसके बच्चे रोने लगे द मैन टोल्ड दैम इफ़ दे वर्क विद दिम हिम फॉर अ डे देन ही विल गिव दैम द टॉय दे वॉन्ट तो बच्चे उस आदमी ने अपने बच्चों को कहा कि अगर दिन में तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारा खिलौना मिल जाएगा द चिल्ड्रन एग्रेड बच्चे मान गए दे वर्कड हार्ड एंड वेरी वेरी टायर्ड उन्होंने बहुत मेहनत की और वो थक गए दे गॉड लिटिल मनी फॉर इट उन्हें उससे कुछ पैसा मिला दे न्यू हाउ हार्ड देअर फादर वर्क फॉर देम तब उन बच्चों को पता चला कि उनके फादर उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं दे नेवर डिमांडेड अगेन और उन बच्चों ने अपने पापा से दोबारा से कुछ डिमांड नहीं की तो बच्चों इसके क्वेश्चन देखिए द फ़ादर एग्रीड टू गिव द टॉय टू द चिल्ड्रन इफ़ दे वर्क वर्ड विद हिम उसके फादर ने बच्चों से बोला कि तुम भी अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो तुम्हें खिलौना मिल जाएगा द फादर रिफ्यूज़ टू पे फॉर द टॉय बिकॉज द टॉय वॉज़ एक्सपेंसिव बच्चों उसके फ़ादर ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि टॉय बहुत महंगा था द फादर वॉज़ हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती थे उनके फ़ादर वर्किंग हार्ड फॉर अ डे टॉट द चिल्ड्रन वैल्यू ऑफ मनी पूरे दिन मेहनत करने से बच्चों ने सीखा कि वैल्यू की क्या जो पैसा है उसकी क्या कीमत होती है पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट फॉर देर चिल्ड्रन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है बच्चों वर्कशीट नंबर टेन पैसेज वन रवि एंड रीना वर बेस्ट फ्रेंड दे वर स्टडिंग इन द सेम स्कूल टुडे दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर क्लास वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक बच्चों रवि एंड रीना बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं आज वो बहुत खुश है क्योंकि वो पिकनिक पे जा रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द पिकनिक बस एज द बस केम रवि रश्ड इन टू द बस टू सिट नियर द विंडो सभी बस का वेट कर रहे हैं और जैसे ही बस आई रवि भाग के बस में चढ़ गया क्योंकि उसे खिड़की के पास वाली सीट पर बैठना था ही पुष्ड रीना अवे ऑन हिज वे टू गेट द विंडो सीट उसने रीना को धक्का दिया ताकि उसको विंडो वाली सीट मिल सके रीना फेल डाउन एंड फेल्ट रियली बैड रीना नीचे गिर गई और उसे बहुत बुरा लगा दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईचदर दोनों लड़ने लगे अदर स्टूडेंट ट्राई टू काम दैम डाउन सभी बच्चे उन्हें समझाने लगे और उन्हें बोला कि शांत हो जाओ बट द डिडेंट स्टॉम वो नहीं रुके सडनली देर चिल्ड्रन केम एंड सैड टू देम वाई आर यू फाइटिंग तभी उनके टीचर आए और उन्होंने बोला कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो लुक वॉट आर यू डूइंग टू योर फ्रेंडशिप तुम अपनी दोस्ती के लिए क्या कर रहे हो आ लिटिल एंगल कैन डिस्ट्रॉय एनी रिलेशनशिप एक छोटा सा गुस्सा थोड़ी देर का गुस्सा किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है बोथ रवि एंड रीना फेल्ड अशीम और दोनों को बहुत अशेम फील हुई दे शुक हैंड्स एंड प्रोमिस द टीचर नेवर टू फाइट अगेन उन्होंने हाथ मिलाया और टीचर को प्रोमिस किया कि अब वो दोनों कभी नहीं लड़ेंगे दे बिकेम फ्रेंड वंस मोर और दोनों वापस से दोस्त बन गए नेक्स्ट देखिए बच्चों इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रवि एंड रीना वर स्टडिंग इन द सेम स्कूल दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे दे वर गोइंग टू पिकनिक बाय बच्चों पिकनिक किससे जा रहे थे वो बस से रवि रश्ड इन टू द बस बिकॉज ही वॉन्टेड टू सिट ऑन अ सीट ऑफ हिस चॉइस वो अपनी चॉइस की सीट पर बैठना चाहता था इसलिए वो भाग के बस में चढ़ गया रवि एंड रीना स्टार्टेड फाइटिंग बिकॉज दे वॉन्टेड टू सिट ऑन द सेम सीट क्योंकि वो दोनों ही सेम सीट पर बैठना चाहते थे फॉर अ लॉन्ग लॉस्ट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप वीट शुड ऑलवेज अंडरस्टेंड ईच अदर लम्बे फ्रेंडशिप के लिए बच्चों हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है नेक्स्ट है बच्चों पैसेज टू रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम ऑफ द स्टूडेंट फेवरेट सब्जेक्ट देखिए बच्चों सीमा को साइंस पसंद है अमन को मैथमेटिक्स मीता को हिंदी रवि को इंग्लिश मीरा को हिंदी टीना को इंग्लिश अनिल को साइंस एंड विमल को इंग्लिश ओनली हु लव्स मैथमेटिक्स ओनली अमन स्टूडेंट लाइक्स साइंस तो बच्चों साइंस दो जने लाइक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स लाइक साइंस डैश रिलेटेड सब्जेक्ट आर लाइकड मोर देन मैथमेटिक्स एंड साइंस तो बच्चों मैथमेटिक्स और साइंस के अलावा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा लाइक like किया गया है तो बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश ये हमारे लैंग्वेज होते हैं तो ऑप्शन डी हमारा राइट right ऑप्शन है डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट तो बच्चों इंग्लिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट आर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ द वन दैट वी लाइक टू स्टडी द मोस्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट वो होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट है बच्चों पैसेज थ्री देखिए आपको एक यहाँ पिक्चर दी गई है आपको इनके क्वेश्चन यहाँ पे देना है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली पिकनिक एक ये फैमिली पिकनिक का पिक्चर है द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस घर गार्डन के स... जो गार्डन है वो घर के सामने है द फैमिली लव्स डॉग फैमिली को डॉग्स पसंद है पिकनिक हेल्प द फैमिली टू स्पेंड टाइम टुगेदर पिकनिक फैमिली को हेल्प करती है कि वो सभी साथ में टाइम स्पेंड कर सके नेक्स्ट है बच्चों वंस द पिकनिक इज़ ओवर वी शुड पिकअप ऑल द वेस्ट जब पिकनिक ख़त्म हो जाती है तो हमें जो भी कचरा हमने फैलाया है उसे उठा लेना चाहिए गंदगी नहीं करनी चाहिए तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है आई होप बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए रेड बटन दबाइए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स